हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है दिव्यांशु भैया की, आप सभी को राम राम है। तो यहाँ पर ये जो गैजेट अभी आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये है स्मार्ट स्कैल्प मसाजर। और ये जो स्कैल्प मसाजर है, इसको मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ आप लोगों को इसका सही रिव्यू देने के लिए। इस स्कैल्प मसाजर की मदद से आप लोग एक रिलैक्सिंग मसाज ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसा है ये मसाजर, इसके अंदर जो फीचर एंड जो फंक्शनलिटी आप लोगों को दी हुई है वो कितने अच्छे तरीके से काम करती है, किस प्राइस पर ये आ रहा है, जो इसका पर्पस है, चाहे इसको फुलफिल कर देता है या फिर नहीं, ओवरऑल सारी सारी बातें करेंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आप लोगों को ये मसाजर ही देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग जो इसको फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा वो मसाजर। उसी के साथ साथ आप लोगों को बॉक्स के अंदर एक इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलती है। ये जो बेसिकली एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है। उसी के साथ साथ आप लोगों को इस प्रोडक्ट के साथ एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है। तो इतना कुछ बॉक्स कंटेंट आप लोगों को बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। फटाफट से बात कर लें हमारे मसाजर की, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा वो मसाजर। और अगर आप लोगों से फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक के अंदर एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक के अंदर ये जो मसाजर है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बिल्ड मटेरियल की बात करूँ तो कहीं से कहीं तक आप लोगों को चीप क्वालिटी वाला मटेरियल इसके अंदर फील नहीं होगा। प्रीमियमनेस आप लोगों को इसको हाथ में पकड़ते ही जरूर से फील होने वाली है। ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोगों को पावर ऑन ऑफ का एक जो है बटन दिया हुआ है। नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार स्कैल्प मसाजर आप लोगों को दिए हुए हैं, जिसके अंदर से दो जो इसके हेड है वो जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, दो जो इसके हेड है वो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिस कारण से जब आप लोग जो स्कैल्प में मसाज करते हैं तब आप लोग काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन इसके अंदर जो फील होता है। पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोग कुछ जो है इसकी टेक्निकल डिटेल वगैरह मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं ये कुछ। ये जो आप लोग जो स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग उस मैग्नेटिक केबल को डाल करके इस प्रोडक्ट को चार्ज कर लेना है। और आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप लोग इसको चार्ज करेंगे तब यहाँ पर मैं रेड लाइट जो है ऊपर पावर बटन के ऊपर आ जाता है, एंड जैसे ये फुल हो जाएगा तब यहाँ पर मैं ग्रीन लाइट जो है आ जाता है, जिसका कि इंडिकेशन ये है कि अब ये जो प्रोडक्ट है जो फुल चार्ज हो चुका है, रेडी टू यूज़ हो चुका है। उसी के साथ साथ ये जो चारों हेड है ये जो डिटैचेबल है एंड वॉशेबल है। अगर आप लोगों के घर में या फिर जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं, अगर ज़्यादा लोग जो यूज़ करने वाले हैं, इस सिलिकॉन के टिप्स को आप लोग निकाल के वॉश करके फिर वापस इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है, जिस कारण से हाइजीन भी मेंटेन रहता है इस वाले प्रोडक्ट को यूज़ करते करते। तो अब अगर बात करें कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हाथ से जब आप लोग मसाज करते हैं उसको ये जो है आसानी से रिप्लेस कर देगा। मतलब मुझे लग रहा था कि भाई हाथ की बात अलग है, जब कोई हाथ से मसाज करता है तब यहाँ पर फील अलग आती है, मतलब बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोगों की कोई सही में हेड मसाज कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एंड मुझे जो है इससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मतलब काम का हो सकता है और इतना ज़्यादा प्लीजिंग ये प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया 7-8 दिन, तब मैं आप लोगों को बता दूँ कि बिल्कुल ये जो है रिप्लेसेबल है उस चीज़ से। और अगर आप लोग जो है ऑयलिंग करने के बाद में अगर आप लोग इससे जो है मसाज करेंगे, अगर आप लोगों को हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग जो अगर थक जाते हैं यहाँ पर मैं लैपटॉप वगैरह से काम करते करते या फिर कुछ प्रोडक्टिव काम आप लोग करते हैं, ऐसे में अगर आप लोगों का सर्वर दुखता है, तो बिल्कुल जब आप लोग इसको यूज़ करेंगे 10-15 मिनट तब आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। ये मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं भी दिन भर आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करता हूँ और उसके बाद दोस्तों मेरा भी सर दुखने लगता है, और 10 मिनट इसको यूज़ कर लेने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको मैं 10 में से यहाँ पर 9 नंबर देना चाहूँगा। 10 में से 9 इसीलिए देना चाहूँगा मैं क्योंकि एक चाइनीज प्रोडक्ट है। इसका आप लोग कोई भी ब्रांड या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट में आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये सारे जितने भी दोस्तों मसाजर वगैरह आते हैं, जनरली ये जो है चाइना से इंपोर्टेड होते हैं, इसीलिए इसके ऊपर आप लोग कोई गारंटी वारंटी या फिर इसका कोई सर्विस सेंटर या फिर इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं इसको 10 में से 9 नंबर दे रहा हूँ। मतलब सीधी बात यह है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लेकिन अभी इतने दिनों से जब मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ तब मुझे जो है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि जब आप लोग जो थोड़ा सा जोर से दबाते हैं तब इसकी मोटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लोग जो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो है रुक जाएगा या फिर यहाँ पर मैं इतनी पावरफुल इसकी मोटर नहीं होगी, तो ऐसी कुछ कहानी नहीं है। बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटर आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोग प्रेशर लगा कर भी थोड़ा सा अगर आप लोग मसाज करेंगे तभी भी ये जो है रुकता नहीं है एंड अच्छे तरीके से आप लोग जो मसाज ले पाते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये प्रोडक्ट 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट के अंदर आता है। उस हिसाब से मैं इसके अंदर बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना चाहूँगा, मुझे इससे कुछ भी शिकायत नहीं है। बस मुझे एक प्रॉब्लम ये लगती है कि भाई इसका कोई भी आप लोगों को सर्विस सेंटर और ये कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर खराब हुआ
हुआ तो खराब हुआ, वो वाला हिसाब किताब आप लोग को इसका देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इस वाले प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप लोग इसको परचेस करेंगे आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस वाले प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद। अगर आप लोग इस स्केल मसाजर को परचेस करना चाहते हैं तब इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एंड उसी के साथ साथ पिन करने प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से जाके लोएस्ट प्राइस के अंदर आप लोग इस स्केल मसाजर को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों बस ये सारी कहानी थी स्केल मसाजर की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग कोई सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।